अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड मुई बनस तारदेस। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस टाइम लावांडेरिया पे, यानी कि लॉन्ड्री पे, जहाँ पे लॉन्ड्रीज करते हैं हम लोग। जब कोई हैवी चीज़ लाइक ब्लैंकेट्स या टॉवल्स वगैरह वॉश करने होते हैं, तो नॉर्मली मैं वीकेंड्स पर जो है वो टॉवल्स जो हैं वो यहाँ पे आके वॉश करती हूँ, क्योंकि ये ज़रा प्रोफेशनल मशीन्स होती हैं और इनसे अच्छा, बहुत अच्छा क्लीन भी हो जाता है और एलर्जीज़ वगैरह जिनको हो वो भी बहुत हद तक जो है इससे कंट्रोल रहती हैं। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको विज़िट कराती हूँ कि इन मशीन्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से चीज़ें वॉश होती हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, लावा तेला इस पर लिखा है, यानी कि लावार का मतलब होता है वॉश और तेला मतलब कपड़ा। अब इसमें मेंशन है कि 30 मिनट्स में वॉश हो जाती है। क्या क्या चीज़ वॉश कर सकते हैं? कर्टन्स कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स कर सकते हैं, सोफ़ा कवर्स, टॉवल्स, इस तरह के जो हैवी आइटम्स होते हैं, बेड कवर्स, उनको हम वॉश कर लेते हैं 30 मिनट्स के अंदर। दूसरी साइड पर इसकी टाइमिंग मेंशन है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये खुला होता है, और 4 यूरो एक मशीन में आप डालते हैं और 2 यूरो फॉर ड्रायर के लिए। और नीचे उन्होंने फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है अपना। अब मैंने इसमें 10 यूरो डाला है ताकि 10 कॉइन्स निकल जाएँ जो कि मुझे मशीन में यूज़ करने हैं, और एक मशीन में मैं 6 कॉइन्स डालूंगी, 6 यूरो, जिसके अंदर मैंने ब्लैंकेट डालना है और 2 एक बेड कवर है और दूसरे में टॉवल। और यहाँ पे ये सारा मेंशन है कि आपने हॉट वाटर सेलेक्ट करना है या जो भी। और ये अब मैंने इसमें डाल दिए हैं ब्लैंकेट्स, और अब मैं इधर कॉइन्स डालूंगी और सिलेक्ट करूँगी मुई कालियंते, यानी वेरी हॉट वाटर, क्योंकि मुझे बेड कवर धोना है और ब्लैंकेट तो वो हॉट वाटर पर ही अच्छा धुलता है। और यहाँ पे इसे इसको बस सिलेक्ट करके और डोर बंद होगा और स्टार्ट हो गई है। और इसमें मैंने दूसरी वाली में टॉवल थे और इसमें ब्लैंकेट्स हैं, तो इसमें भी मैंने कॉइन्स डाले हैं और बस सिलेक्ट कर लूँगी इसको भी हॉट वाटर और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें, डोर लिखा आ रहा है, इट मीन्स कि डोर सही से बंद नहीं है। तो मैंने डोर को दोबारा से बंद किया और क्लिक किया, जब आवाज़ आई है तो ये साथ ही स्टार्ट हो गई है। अब हम पार्क आ गए हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा इन्जॉय कर लें, यहाँ खेल लें, क्योंकि 30 मिनट्स लगेंगे वॉश होने में और मशीन लॉक हो जाती हैं तो उसको कोई ओपन भी नहीं कर सकता। तो 30 मिनट्स हम अब पार्क में स्पेंड करेंगे। जो है अब ड्रायर में शिफ्ट कर दिए हैं टॉवल्स और ब्लैंकेट्स। बड़ी जो है वो 18 केजी की है, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं ब्लैंकेट्स, और दूसरी जो छोटी है उसके अंदर मैंने टॉवल्स डाल दिए हैं। तो ये बस अब 30 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे कपड़े इससे और टॉवल्स, हर चीज़ धुल जाती है, बैक्टीरिया भी कोई नहीं रहता। ऐसे लोग जिनको एलर्जी होती है वो तो ख़ास तौर पर इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इससे हर किस्म के जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। ऊपर ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, टाइमिंग्स का मेंशन हुआ हुआ है और बताया हुआ है कि किस किस्म, बस इसमें कारपेट्स जो हैं वो नहीं धो सकते, और डिटर्जेंट्स का बताया हुआ है कि किस तरह के डिटर्जेंट्स हैं। ये सब कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है, और कैमराज भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने रिफ़्रेशमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, अगर आप लेना चाहें तो वो कॉइन्स डालकर मशीन से निकाल। ये टेबल पे मैंने अपने बैग्स लगा दिए हैं ताकि इजीली इनमें पैक कर दूँ सब कुछ। ड्राई हो गए और अब मैं इसको ट्रॉली में रख कर वहाँ टेबल पे ले जाकर पैक कर दूँगी।
ये है जी फाइनल लुक, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हाइजेनिक। आज का दिन तो इसी तरह रहा, वॉश क्लीन फोल्ड एंड रिपीट, वॉश क्लीन फोल्ड एंड रिपीट। आई विश जैसे आज मैंने ये ब्लैंकेट्स वॉश किए, मे योर ऑल वरीज वॉश अवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, हैव अ वेरी नाइस डे।